सचिन पायलट एक बार फिर दिल्ली में है। उनका ये दिल्ली आगमन ना तो 2020 जैसा है और ना ही 2022 जैसा। 2020 में जब पायलट ने दिल्ली का रुख किया था तो वो बागी बन गए थे और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के 19 विधायक थे। वहीं सितंबर 2022 में जब वो दिल्ली आए थे तो मामला था कांग्रेस के विधायकों की उस बगावत का जिसमें राजस्थान के नए सीएम का ऐलान होना था। इस बार पायलट दिल्ली आए हैं और अकेले आए हैं और इस बार चर्चा है कि वो संभवतः कांग्रेस का दामन छोड़कर कुछ नया प्लान कर सकते हैं। 2020 में जब पायलट अपने 19 समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली आए थे तो रानी के आरोप लगे थे कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करना चाहती थी। पायलट की उस बगावत को बीजेपी से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा था कि चंद महीने पहले ही मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार अपने युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का खामियाजा सत्ता गवाकर भुगत चुकी थी। दरअसल 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर उनके युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपने तकरीबन 22 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। नतीजा रहा मध्य प्रदेश में सरकार अल्पमत में आई और मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। राजस्थान में भी सचिन पायलट ने अपने 19 समर्थित विधायकों के साथ बगावत तो की, मगर यहां कहा जा सकता है गहलोत ने अपनी जादूगरी से सरकार पर आंच नहीं आने दी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता तक पहुंचने के आंकड़ों में बड़ा फर्क था। क्या वाकई पायलट का सरकार गिराने का प्लान था या फिर जैसा उनकी ओर से कहा गया कि वो अपने कार्यकर्ताओं और जनता की उन मांगों को लेकर मानेसर आए हैं जिसके लिए पायलट ने 4.5 साल वसुंधरा सरकार से संघर्ष किया। खैर, ना तो सरकार गिरी और ना ही पायलट और ना उनके समर्थित विधायक बीजेपी में गए। एक महीने चली लंबी जद्दोजहद के बाद सचिन पायलट वापस आ गए। कहा गया उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। अब एक बार फिर जब पायलट ने जनता के बीच वसुंधरा सरकार पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग को उठाया है तो फिर उन पर बगावत का ठप्पा लगा है। पायलट पार्टी छोड़ रहे हैं या वो किसी दल में जा रहे हैं, ये तब तक अफवाह ही कही जा सकती है जब तक पायलट खुद अपनी जुबान से ये नहीं कह देते। फिलहाल चुनावी दहलीज पर खड़े प्रदेश में इस बार पायलट का प्लान किस ओर लैंड करेगा, इसकी संभावनाओं को लेकर चर्चा जोरों पर। Oh, 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 oh